नमस्कार भक्तों, आज मैं आप लोग को यह बतलाऊंगा कि किसी भी स्त्री को आप पल भर में ही, कुछ ही घंटों में आप कैसे अपने वश में करें, आप अपने प्यार में कैसे उसको पागल करें। वो आपके प्यार में इतना पागल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। रात दिन वो आप ही के बारे में सोचेगी, आपसे मिलने के लिए बेचैन रहेगी, आप जो बोलिएगा वह वही करेगी। आपका खोया हुआ भी प्यार है तो पल भर में ही वापस आ जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे वशीकरण करना है। इसमें आपको दो लवंग की आवश्यकता होगी और चावल की आवश्यकता होगी और लाल चंदन की आवश्यकता होगी। ये जो लाल चंदन होता है वशीकरण करने के लिए बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद में देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे भक्त हैं जो इस वीडियो का गलत प्रयोग करते हैं, किसी के साथ गलत करने के लिए वशीकरण कर लेते हैं और गलत काम करते हैं, फिर हमारे पास कॉल करते हैं कि गुरुजी आपके वीडियो से हम वशीकरण कर लिए हैं और गलत प्रयोग कर लिए हैं, कि प्लीज कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि हम उससे पीछा छुड़ा सके। तो हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं, बार बार विनती करते हैं कि प्लीज इसका गलत प्रयोग नहीं कीजिएगा। अब अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तभी इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप जिसके भी वशीकरण कर रहे हैं वो आपके लिए एकदम बेचैन हो जाती है, पागल हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबाइए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्या लिखकर जरूर भेजें ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। आइए हम बताते हैं कि कैसे वशीकरण करना है। सबसे पहले आपको एक मंत्र की आवश्यकता होगी जो कि हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, ओम चामुंडाय हिम क्रीम अमुक मम वसम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है, इस मंत्र का आप फोटो जो स्क्रीनशॉट होता है वह कर लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। ओम चामुंडाय हिम क्रीम अमुक मम वसम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो अमुक होता है, अमुक के जगह पर उस इंसान का नाम रखा जाता है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। तो आइए हम बतलाते हैं आपको करना क्या है, कि इस मंत्र को आप सामने रख लीजिए या याद कर लीजिए, और ये जो भाग तीनों भाग है इस तीनों भाग को आप एक कागज पर रख लीजिए जैसे कि हम रखे हुए हैं, जिसमें दो लवंग होनी चाहिए और थोड़ी सी मात्रा में लाल चंदन होनी चाहिए और थोड़ी सी मात्रा में अक्षत होनी चाहिए जो कि चावल है। आइए हम बतलाते हैं कैसे सिद्ध करना है वशीकरण। मान लीजिए कि आप किसी लड़की को वश में करना चाहते हैं और उस लड़की का नाम है कविता, तो हम कविता का नाम इस जगह पे हम लेंगे अमुक की जगह पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस लवंग को, दोनों लवंग को लेना है, इस तरह से मिलाना है, ये पूरे भाग को मिलाना है और मंत्र को पढ़ते रहना है। कैसे पढ़ना है आइए बतलाते हैं, जैसे कह रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। ओम चामुंडाय हिम क्रीम, अमुक के जगह पर ध्यान रहे लड़की का या लड़का का नाम लेना है, तो लड़की का नाम कविता है तो कविता नाम रखेंगे। ओम चामुंडाय हिम क्रीम कविता मम वसम कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद में क्या करना है कि फूंक मार देना है, इस चावल और लौंग के ऊपर फूंक मार देना है आपको। इस तरह से आपको 108 बार पढ़ना है इस मंत्र को और ऐसे ऐसे करते रहना है। ओम चामुंडाय हिम क्रीम कविता मम वसम कुरु कुरु स्वाहा, और फिर से फूंक मार देना है सबके ऊपर। इस प्रकार से आपको 108 बार करना है, बस आपका काम हो गया, ये अभिमंत्रित हो गया, सिद्ध हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको रविवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप जिस भी लड़की का यह सिद्ध किए हुए हैं, आपको क्या करना है
कि जब देखिए कि वो किसी रास्ते में आ रही है तो उसके आने के कुछ देर पहले उसके रास्ते में इसको फेंक दीजिए, उसके रास्ते में इसको फेंक दीजिए। जैसे ही वो रास्ता पार कर जाएगी उसके कुछ ही घंटों के बाद में वो आपके प्यार में इतना पागल हो जाएगी कि वो खुद आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी। हो सके तो आपसे कांटेक्ट करेगी, फोन करेगी, किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करेगी। वो इतना बेचैन हो जाएगी कि आपके बिना नहीं रह पाएगी। उसके बाद में आप चाहे तो इस भाग को आप उसके शरीर के ऊपर भी फेंक सकते हैं या किसी भी छोटे बच्चा के द्वारा आप फेंकवा सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में उसको पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद में कुछ ही घंटों में ही आपका वशीकरण काम हो जाएगा और जिसका भी ये वशीकरण किए हैं आपके वश में हो जाएगा। आप जो कहिएगा वह वही करेगा। मैं आप लोग से एक बार फिर से हाथ जोड़ता हूँ कि इसका गलत प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी हमारे जो भक्त लोग हैं प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और बेल घंटी को जरूर दबाइए ताकि जितने भी हम इस प्रकार के वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी प्रकार से समस्या है, पुरानी से पुरानी भी समस्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और खुल करके हमसे बोलिए कि गुरुजी यह समस्या है, प्लीज हेल्प कीजिए। आप वहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं भक्तों। अगला वीडियो हम आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे और हमें आशा ना पूरा विश्वास है कि आपको पूरी ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।